नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। वैसे आज मेरे पास जो गाड़ी है ये क्रेटा डीजल गाड़ी है, और स्पेशली आज का जो वीडियो है मैं किसी भी जो SOP है उसको फॉलो करके नहीं बना रहा हूँ, स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा है कि कई बार ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कि अगर कभी भी आपका डीजल गाड़ी है और अचानक बंद हो गया, स्टार्ट नहीं ले रहा है, जबकि थोड़ा देर पहले भी वो स्टार्ट था लेकिन अचानक से वो बंद हो गया और अभी स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो उस सिचुएशन में देखिए। वैसे ये वीडियो सिर्फ स्पेशली उन कस्टमर के लिए बना रहा हूँ जो कभी भी अगर रोड में प्रॉब्लम में पड़ जाए तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाए, या कोई भी मैकेनिक भाई है जिनको इनिशियल गाड़ी को बस तुरंत स्टार्ट करके छोड़ना है इमरजेंसी कंडीशन में, उनके लिए बना रहा हूँ। बाकी और किसी चीज़ में प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो जो है थोड़ा गलत वीडियो है, लेकिन फिर भी आपके काम में अगर आएगा ना तो यही मेरा मकसद है, मतलब काम में आ सकता है। प्रॉब्लम जो है वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि आखिर कैसे इसको आप कम से कम रिकवर कर पाए थोड़ा देर के लिए। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कुछ 117,449 किलोमीटर चला है, और इस गाड़ी को भी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डीजल गाड़ी में सबसे पहले अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो आपको पैसा, देखिए मैं स्कैनर बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो रेल प्रेशर सेंसर है ये -17.6 पे शो कर रहा है। जैसे मैं गाड़ी को क्रैंक करूंगा तो फ्यूल की जो प्रेशर है ये मिनिमम 225 से 250 बार में आना चाहिए, ये रेल प्रेशर, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगा। और जब स्टार्टिंग की कंडीशन में अच्छा गाड़ी में आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 196 के मतलब 200 के आसपास रहने से स्टार्ट हो जाएगा, बट एक्चुअल में ये 225 तक रहने से गाड़ी स्टार्ट होता है, 225 से ऊपर रहेगा तो बेस्ट है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट क्रैंकिंग करता हूँ तो उस क्रैंकिंग कंडीशन में प्रेशर देखिए, ये प्रेशर मेरा 200, जैसा आपने देखा कि मेरा प्रेशर जो है ये बिल्डअप नहीं हो रहा है। अब या तो हो सकता है जो पंप है, जो पंप का प्रेशर बनाता है वो पंप में प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है जो इंजेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा बैक लीक हो रहा है, या फिर लाइन में कुछ लीकेज हो गया है, तो इस तरह के बहुत सारा रीज़न हो सकता है। सबको हम साइड में कर देते हैं। अब इसको स्टार्ट करने के लिए कोशिश एक आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट स्टार्ट होने की चांसेस है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेट्रोल लो, थोड़ा सा ही बस पेट्रोल, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा ही पेट्रोल लेके यहाँ पे देना है। हाँ अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाके गाड़ी को क्रैंक करो, ऐसे दूर से थोड़ा पकड़ के रखिएगा, गाड़ी को क्रैंक करो। क्रैंकिंग कंडीशन में जो प्रेशर है इंजन का, ये फ्यूल का, ये बढ़ जाएगा। और एक बार करो, पहले भी दो बार मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया बट ये स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी अगर ऐसा करना पड़े तो मैक्सिमम 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको सेल्फ मार के ऐसे रखना नहीं है, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर चाहें तो आप कर सकते हैं। और इस तरह का जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम आप 3 या 4 बार ही ट्राई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो नया है वो कोशिश मत करे तो ही अच्छा है, क्रैंक करो। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो गया, और अभी यहाँ पे जो प्रेशर है ये प्रेशर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी मेरा स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन मैं और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब हर कोई इसको कोशिश ना करे, ये बस एक इमरजेंसी पर्पस के लिए मैंने आपको दिखाया, ताकि अगर कभी भी अचानक ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट वर्कशॉप तक या फिर घर तक आप पहुंच जाएं। और इस वीडियो में जो प्रोसेस का यूज़ किया वो प्रोसेस भी सही नहीं है, और हाँ इससे मतलब स्टार्ट होने से ऐसा नहीं है कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया, गाड़ी को फिर स्टार्ट ऑफ करेंगे और 5-7 मिनट बाद अगर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है पॉसिबल या 99% श्योर केस में स्टार्ट नहीं होगा, एक बार बंद हो जाएगा तो स्टार्ट नहीं होने की चांसेस है, और मैं इसमें रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, डायरेक्ट गाड़ी को लेके जाएंगे वर्कशॉप, इसका जो काम है वो आगे होगा।